सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदो अखिलो धर्ममूलम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। बिना वेदों के जान के और बिना इसके आचरण के हम अपने जीवन को और इस जगत को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो कुछ भी इस संसार में हम देख सुन जान रहे हैं, जितना ज्ञान विज्ञान हम सबके अंदर है, उन सब का मूल परमात्मा और परमात्मा की वेदवाणी जो कल्याणी है, उसी से सब कुछ निकला हुआ है, उसी से यह ज्ञान विज्ञान हमको मिलता है। हम अपने मन वाणी और व्यवहार में वेदानुकूल आचरण करें, वेदों के आदेश उपदेश संदेश को, इसके संकेत को हम शिरोधार्य करें। जैसा जैसा विधि निषेध मिला है हम वैसा जब बनेंगे तो निसंदेह बहुत ही सुंदर जीवन हमारा हो पाएगा। हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त में वर्णित मन के स्वरूप का, जो मन का स्वभाव, मन का सामर्थ्य, क्योंकि मन ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाता है और मन ही मनुष्य को बंधन में लाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो इस बंधन और मोक्ष का जो ये संघर्ष है, इसमें मन की अहम भूमिका है, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि युद्धों में और यज्ञों में सफलता प्राप्त करने के लिए मन द्वारा ही प्राप्त यह शक्ति है। यह मन ही प्रेम और निर्द्वेषता के भाव से युक्त होकर के हमारे अंदर के आसुरी भाव को नष्ट करता है और देवत्व के भाव से हमको युक्त करता है, देवत्व का भाव हमारे अंदर हो। और इसके साथ साथ मन जिष्णु अश्ववाजी है, हम इसको नियंत्रण में रखें, इसको वशीभूत करें। और मन हमारा जब नियंत्रित होगा तो धीरे धीरे हम फिर अपने उसको स्वभाव में अपने दिव्यता भव्यता का आधान करें, मधुर भाषी बने, दीर्घजीवी बने। इसके लिए बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसी 39वें सूक्त का 6ठा मंत्र आपके समक्ष मैं रखूंगा। प्रथम लिखता हूं इसको, ओम दधि क्रांबड़ो अकारिशम
जिष्णोरश्वस्य वाजिनः जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखा करत प्रण सुरभि नो सुरभि नो मुखा करत्र आयुंषि तारिषत् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम दधिक्रावणो अकारशम जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभीनो मुखा करत प्रणायुषितारिषत्। ॐ दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभीनो मुखाकरत् प्रणायुषितारिषत्। दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभीनो मुखाकरत् प्रणायुषितारिषत्। बहुत सुंदर चर्चा है। कहा कि दधिक्रावणो, मैं दधिक्रावणा धारण करके गति करने वाले इस मन का, आकारिषम स्तवन करता हूं, इसका मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। जो मन जिष्णो हो अर्थात जो विजयशील है, जो इस संसार संग्राम में विजयी बनाने वाला है, क्योंकि मन यदि उत्साह में है तो हम विजयी हो जाते हैं।
साधन कितना है यह प्रश्न नहीं है, व्यक्ति का मनोबल कितना बड़ा है। तो मनोबल यदि व्यक्ति का बरकरार है या स्थिर है, मनोबल गिरा नहीं है, पतित नहीं हुआ, मनोबल क्षीण नहीं हुआ, तो व्यक्ति अंतिम श्वास तक, अंतिम सैनिक तक, अंतिम क्षण तक जहां पर पराजित बिल्कुल होने की संभावना है, वहां भी बाजी पलट जाती है, वहां भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को स्थिर करके, अपने आप को अटल अचल बना करके विजयी हो जाता है। इसलिए यहां जो बात कही है कि मन विजयशील, अश्वस्ते अशुव्याप्त, अशुव्याप्त धातु से सदा कर्मों में व्याप्त होने वाला है, वाजिनः जो शक्तिशाली है, इस मन को मैं अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करता हूं। यह मन दधिक्रावा, मन अर्थात न हमारे मुखा मुखों को सुरभि करत सुगंधित करता है और न हमारे आयुषी आयुषियों को, हमारी आयु को प्रतारिषत अत्यंत दीर्घ करता है, अत्यंत इसको बढ़ाने वाला है। मन के वशीभूत होने पर हम मधुर शब्द बोलते हैं और दीर्घ जीवन वाले बन जाते हैं। मन यदि प्रसन्न है, मन यदि उत्साह में है, तो हम स्तुति प्रार्थना उपासना भजन कीर्तन करने में सुख शांति आनंद पाते हैं। और परस्पर जो संवाद है, परस्पर की जो चर्चा है, परस्पर पर जो वाक विलास है, वाणी व्यवहार है, वह भी बड़ा मधुर होता है। क्योंकि संसार का व्यापार मधुरता से चलता है, संसार का जो प्रेम है वह मधुर वाणी से चलता है। इसलिए भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि जो मधुर व्यवहार करते हैं, मधुर जिनकी वाणी है, वास्तव में वह मधुर वाणी ही उनकी सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा आभूषण है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम्, हारा न चन्द्रोज्वला, न स्नानम् न विलेपनम् न कुसुमम्, नालंकृता मूर्धजाः, वाणेका समलंकरोति पुरुषम्, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्, वाग्भूषणम् भूषणम्, वाग्भूषणम् भूषणम्। संसार में सबसे बड़ा जो आभूषण है, जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अलंकृत करने वाला है, सबसे ज्यादा सुशोभित करने वाला कोई यदि आभूषण है, तो वो वाणी है। वाणी का व्यवहार अति मधुर होना चाहिए। और व्यक्ति वाणी व्यवहार कब अच्छा कर पाता है? जब उसका मन अच्छा होता है। मन यदि ठीक है तो वाणी व्यवहार भी ठीक होगा। मन वाणी और शरीर से कर्म करते हैं। कर्म करने के तीन ही साधन प्रमुख हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो प्रथम सोपान हमारा मन ही है, इसलिए मन पर हम नियंत्रण करें। और जो मन पर नियंत्रण कर लेता है,
मन जिसका वश में हो जाता है उसका एक एक पल उत्साह में रहता है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जिसका मन प्रसन्न है, निर्मल है, जो ग्लानि में नहीं है, जो काम वासना में नहीं फंसा है, जो विषयों में लिप्त नहीं है, ऐसा मन जो कलंकित नहीं है, ऐसा मन जो अलंकृत है सद्गुणों से, ऐसा मन जो दूषित नहीं है, ऐसा मन जो विभूषित है वेदवाणी से, जो वेदवाणी के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, वास्तव में मन उनका सदा साथ देता है, वो सदा उत्कर्ष की ओर ले जाता है, अपकर्ष से बचाता है। इसलिए व्यक्ति हर पल उत्साह में रहे, और जो हर पल उत्साह में रहेगा उसका आयुष्य भी बढ़ेगा, उसका जीवन बढ़ जाएगा, दीर्घायु को प्राप्त होता है। यही इस वेद मंत्र में बात कही है कि वह आयुषी तारिषत, आयु को बढ़ाने वाला, अत्यंत दीर्घ जीवन जीने वाला बना देता है। मन के वशीभूत होने पर हम मधुर शब्द बोलते हैं और दीर्घ जीवन वाले बनते हैं। मन जिष्णु है, मन अश्व वाजी है, इसको वशीभूत करके हम मधुर भाषी व दीर्घ जीवी बनते हैं। यही इस जीवन को जीने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। यह प्रयत्न इतना सफल होता है क्योंकि मन यदि ठीक नहीं है तो लोगों के संबंध बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए, भाई भाई के संबंध बिगड़ गए, मित्र मित्र के संबंध बिगड़ जाते हैं, माता पिता गुरु आचार्य के संबंध भी लोग बिगाड़ देते हैं। संबंधों में मधुरता नहीं रहती, क्यों? क्योंकि मन खट्टा हो गया, ऐसा बोलते हैं, मन टूट गया, मन लग नहीं रहा, मन मान नहीं रहा है, मन में शंका उत्पन्न हो गई, मन उद्विग्न हो गया। मन जब परस्पर में प्रेम करुणा के साथ और सौहार्द के साथ, सौमनस्य के साथ हम नहीं जी पाते हैं तो यह निसंदेह बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारा यह मन सदा संयमी रहे, यह मन हमारा कभी बिगड़े नहीं, और ऐसा मन परमात्मा सबको दे जो सदा ऊपर ही हमको बढ़ाने वाला हो, नीचे गिराने वाला ना हो। मन यदि हमारा अच्छा है तो निसंदेह हमारे जीवन और जगत की जो सच्ची डगर है, सच्चा अच्छा मार्ग है, उससे पतित नहीं होने देता है। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। फिर रहे हैं भटकते कहीं के कहीं, हो हृदय में बसे दृष्टि आते नहीं। पर्दा अज्ञान का यह हटा दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। छोड़ कर आपका द्वार जाएं कहाँ, निज हृदय की व्यथा हम सुनाएं कहाँ। छोड़ कर आपका द्वार जाएं कहाँ, निज हृदय की व्यथा हम सुनाएं कहाँ। दर्द की आप ही अब दवा दो प्रभु, काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु। भक्त हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी, सुख व दुख में न भूले तुम्हें हम कभी। भक्त हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी, सुख व दुख में न भूले तुम्हें हम कभी। ज्योति ऐसी हृदय में जगा दो प्रभु, ज्योति ऐसी
हृदय में जगा दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। है प्रकाशार्य किया विनय आपसे, लो बचा इस अविद्या कुमति पाप से। है प्रकाशार्य किया विनय आपसे, लो बचा लो इस अविद्या कुमति पाप से। राह सच्ची सभी को दिखा दो प्रभु, राह सच्ची प्रभु दिखा दो सभी को। काज बिगड़े हमारे बना दो प्रभु, राह सच्ची सभी को दिखा दो प्रभु। डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु, डूबते हैं किनारे लगा दो प्रभु। तो हम प्रभु की सच्ची भक्ति करें और मन को अच्छा बनाएं। तो इस प्रकार से यह 38वां सूक्त और 39वां सूक्त ये मन की बड़ी ही जो महिमा है उसके विषय में चर्चा की है। और इसी प्रकार से यह 40वां सूक्त भी अत्यंत महनीय है। 40वें सूक्त में भी मन की चर्चा है और मन अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो पहले ही मंत्र में यहाँ कहा है 40वें सूक्त में, ओम दधिक्रावणा इतु नोचर की राम विश्वा इन मामुषसः सूदयन्तु अपामग्नेरुषसः सूर्यस्य बृहस्पतेरांगिरसस्य जिष्णोः। अब निश्चय से हमारा धारण करके गति करने वाले इस मन की चर की राम हम स्तुति करते हैं या स्तुति हम करें, इस मन का महत्व समझें। निश्चय से सब उषा काल मुझे यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रेरित करें। मन को वश में करके हम सदा यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त हों। हम इन उषाओं से इन रेत कणों का स्तवन करें, इनका स्तवन करते हुए इनके रक्षण का निश्चय करें। हम वाणी का उपासन करें, वाणी से भद्र शब्दों के ही बोलें। निश्चय ऐसा हो कि हमारे वाणी से कटु वचन न निकले। इस समय प्रबुद्ध होकर के सब मलों को दग्ध करके हम निश्चय रूप से पवित्र बने। सूर्य से सूर्य का स्तवन करें, जान सूर्य को उदित करें और इसमें यत्नशील हों। बृहस्पति ब्रह्मणस्पति का स्तवन करें, ऊंचे से ऊंचे स्थान में पहुंचने के लिए यत्नशील हों। ऊर्ध्वादिक के अधिपति बृहस्पति बने, अंगिरस के उपासक हों, एक एक अंग को रसमय और बहुत ही सुंदर बनाए, हमारे अंग बहुत ही पुष्ट हो, शरीर हमारा बहुत ही आरोग्यता से युक्त हो। हम जिष्णु हो, विजयशील के उपासक हों, जीवन के सदा उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल कामना के लिए सदा आगे बढ़ें। जीवन में सदा विजेता बने, कभी भी पराजित ना हो, ऐसा भाव हो। तो मन को वशीभूत करके हम दिव्य भावनाओं का उपासन करते हुए सदा विजयी बने, ऐसी भावना इस वेद मंत्र में है। यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।